नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JL झारखंड लाइव में। दोस्तों, यहाँ पर वन उत्पादकता संस्थान जो कि लालगुटुआ गुमला रोड रांची में स्थित है, यहाँ पर वन रक्षक मल्टीटास्किंग स्टाफ और क्लर्क के पद पर नियुक्ति संबंधित विज्ञापन जारी किया गया है। तो हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में इस विज्ञापन को देखने वाले हैं कि यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है और आप यहाँ पर कैसे आवेदन कर सकते हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग पूरे डिटेल्स में देखेंगे। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हम लोग पर पूरी डिटेल्स में इस विज्ञापन को देखते हैं। तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, 22 जुलाई को यहां पर विज्ञापन जारी की गई है वन उत्पादकता संस्थान जो कि ललगुटुआ में स्थित है गुमला रोड रांची में। तो यहां पर चलिए देखते हैं कि कौन कौन से पद के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए जो यहां पर एक पदों पर नियुक्ति की जानी है और फॉरेस्ट गार्ड के पदों पर 6 पदों पर यहां पर नियुक्ति की जानी है। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए यहां पर 13 पदों पर नियुक्ति की जानी है। तो कुल जो है यहां पर 20 पदों पर नियुक्ति की जानी है। और यहां पर कैटेगरी वाइज अगर हम लोग यहां पर देखें तो लोअर डिवीजन क्लर्क यहां पर एक सीट है जो कि अनरिजर्व कैटेगरी का है। फॉरेस्ट गार्ड के यहां पर 6 पदों पर नियुक्ति की जानी है जिसमें कि 5 यहां पर सीटें जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी का है और एक यहां पर ओबीसी कैटेगरी का है। उसके बाद मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए एमटीएस के यहां पर 13 पदों पर जो है वो टोटल 13 पदों पर नियुक्ति की जानी है जिसमें कि 3 सीटें जो है यहां पर अनरिजर्व है, 2 सीटें जो है यहां पर एससी के लिए है और 6 सीटें यहां पर जो है वो ओबीसी के लिए है और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीटें हैं। तो कुल जो है यहां पर 20 पदों पर नियुक्ति की जानी है वन उत्पादकता संस्थान जो कि रांची में स्थित है। तो चलिए हम लोग यहां पर देख लेते हैं कि शैक्षणिक योग्यता यहां पर क्या मांगी गई है इस पद के लिए। तो सबसे पहले यहां पर देख लीजिए, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो यहां पर मांगा गया है वो 12th पास सर्टिफिकेट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इन बोर्ड यहां पर होना चाहिए, ठीक है। 12वीं पास यहां पर आपको होना चाहिए। अ टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी, ठीक है। तो यहां पर 30 जो है शब्द जो है यहां पर आपका प्रति मिनट होना चाहिए इंग्लिश में और 25 शब्द यहां पर प्रति मिनट होना चाहिए आपका हिंदी टाइपिंग में, या फिर आपके यहां पर टाइपिंग स्पीड जो है वो 35 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए इंग्लिश में, या फिर यहां पर 30 वर्ड जो है आपका होना चाहिए हिंदी में पर मिनट, कंप्यूटर में आपको टाइपिंग आनी चाहिए। उम्र सीमा की अगर हम लोग यहां पर बात करें तो 18 साल से 27 साल के जो उम्र सीमा वाले यहां पर आवेदक हैं वो यहां पर आवेदन कर सकते हैं। तो जिनकी उम्र 18 से 27 वर्ष के बीच में है वो यहां पर आवेदन कर सकते हैं। अपर एज लिमिट में यहां पर एससी कैंडिडेट्स को यहां पर 32 साल होनी चाहिए मैक्सिमम। ओबीसी के कैंडिडेट जो है वहां पर 30 साल के अगर हैं तो वे आवेदन कर सकते हैं, जो कि यहां पर रिलैक्सेशन जो एज में दिया जाता है उसके अनुसार यहां पर दिया गया है। उसके बाद अगला पद जो है यहां पर फॉरेस्ट गार्ड के लिए है और यहां पर क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो क्या मांगा गया है देख लीजिए। यहां पर 12वीं पास होना चाहिए विद साइंस फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ठीक है। तो साइंस में यहां पर जो है पास होनी चाहिए 12वीं। द अपॉइंटीज विल बी रिक्वायर्ड टू सक्सेसफुली कंप्लीट फॉरेस्ट्री ट्रेनिंग कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग द प्रोबेशनरी पीरियड, ठीक है। तो आपको और यहां पर देख लीजिए, जो जिनको नियुक्त किया जाएगा यहां पर उनको ट्रेनिंग करना होगा यहां पर फॉरेस्ट गार्ड के लिए, ठीक है, उनको ट्रेनिंग करना होगा। और फिजिकल स्टैंडर्ड की अगर हम लोग बात करें तो 4 घंटे में, ठीक है, 4 घंटे में 25 किलोमीटर आपको यहां पर वॉक करना होगा। हाइट जो यहां पर मिनिमम रखी गई है वो 165 सेंटीमीटर रखी गई है। चेस्ट की अगर हम लोग यहां पर बात करें तो चेस्ट जो है वो यहां पर 79 सेंटीमीटर रखा गया है विदाउट एक्सपेंशन, बिना फैलाए हुए छाती जो है यहाँ पर आपकी 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए 79 सेंटीमीटर, और विथ एक्सपेंशन फैलाकर यहाँ पर आपका 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पर वुमेन है, महिलाओं के लिए यहाँ पर 14 किलोमीटर रखा गया है 4 घंटे में वॉक करना होगा। हाइट जो है कम से कम यहाँ पर जो है वो मिनिमम 150 सेंटीमीटर रखा गया है। चेस्ट यहाँ पर 74 सेंटीमीटर रखा हुआ है 74 सेंटीमीटर विदाउट एक्सपेंशन और 79 सेंटीमीटर विथ एक्सपेंशन रखा गया है, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड जो है यहां पर शेड्यूल्ड एससी एसटी के वुमेन है और यहां पर एससी के हैं तो उनको 5 सेंटीमीटर के यहां पर जो है वो छूट मिलेगी, ठीक है। एज लिमिट की बात करें यहां पर फॉरेस्ट गार्ड के लिए तो 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 27 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहां पर रिजर्वेशन जो है वो दिया जाएगा एससी के लिए, यहां पर एससी एसटी जो कैंडिडेट्स हैं उनको 32 साल यहां पर अधिकतम रहेगी और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए यहां पर 30 साल अधिकतम उम्र सीमा रहेगी, ठीक है, जो कि यहां पर आरक्षण दिया जाता है उम्र सीमा में। उसके बाद यहां पर मल्टीटास्किंग स्टाफ है जिसमें कि क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो 10वीं पास होनी चाहिए किसी भी बोर्ड से और यहां पर डिजायरेबल 3 इयर्स और मोर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट ट्रेड, ठीक है, 3 साल से यहां पर आपका जो है वो रिलेवेंट ट्रेड में आपको यहां पर एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो यहां पर भी 18 से 27 साल के जो उम्र सीमा वाले हैं उनको यहां पर वो आवेदन कर सकते हैं यहां पर। और
तो यहाँ पर उम्र सीमा की अगर हम लोग बात करें तो 18 से 27 साल यहाँ पर भी उम्र सीमा रखी गई है, और अधिकतम जो है यहाँ पर SC/ST कैंडिडेट्स के लिए रिजर्वेशन के अंतर्गत यहाँ पर 32 साल रखा गया है, और OBC कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 30 साल रखा गया है। तो ये यहाँ पर क्वालिफिकेशन रखी गई है, और उसके लिए यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है, उम्र सीमा रखी गई है। तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जो कि आपको यहाँ पर फॉलो करना है। आपको यहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करके आपको यहाँ पर ऑफलाइन आवेदन करना है ये, और इन बैलअप के ऊपर आपको यहाँ पर लिखना है कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, एज रिलैक्सेशन जो दिया जाएगा आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत करना होगा, जो SC/ST और यहाँ पर जो है OBC के कैंडिडेट्स होंगे उनको यहाँ पर सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जो यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आप आवेदन कर रहे हैं, तो उनको यहाँ पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी जमा करना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फी की बात करें, फॉर्म के यहाँ पर जो प्राइस रखी गई है वो जनरल OBC कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 300 रुपये रखी गई है, और महिलाओं को यहाँ पर कोई भी फी नहीं देना है, और जो SC/ST कैंडिडेट्स होंगे उनको यहाँ पर 100 रुपये फी जो है वो जमा करना होगा। और ये DD बनाना है आपको, और DD जो बनाना है किसके फेवर में बनाना है वो देख लीजिए, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी पेएबल एट रांची के नाम से आपको यहाँ पर एक DD बनाना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फोटोग्राफ आपको 2 यहाँ पर एडिशनल फोटोग्राफ जो है आपको यहाँ पर अटैच करना होगा फॉर्म में, और उसके बाद यहाँ पर सारे फॉर्म जो है अच्छी तरह से भरना है, और उसके बाद यहाँ पर जो है वो जमा करना है, और जमा करने का यहाँ पर अंतिम तिथि जो है वो 11/9/2020 है। तो इसके पहले आपको यहाँ पर आपका आवेदन यहाँ पर पहुँच जाना चाहिए इस तिथि तक, इसके बाद अगर पहुँचेगा तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और भेजने का जो पता है, और जो भेजने का पता है यहाँ पर वो देख लीजिए, द डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी ललगुटुआ NH 23 गुमला रोड रांची 8353303 झारखंड, इस पते पर आपको यहाँ पर 11/9/2020 तक आपको फॉर्म भरकर भेज देना है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा। इस तरह से आपको यहाँ पर फॉर्म मिलेगा, आप यहाँ पर फॉर्म भरिएगा और फोटो अपना पेस्ट कर दीजिएगा, और एडिशनल फोटो भी यहाँ पर आप इनवेलप में डाल दीजिएगा, इंक्लूड कर दीजिएगा। ठीक है, और इस तरह से पूरी तरह अच्छी तरह से भरकर इसे आप यहाँ पर 11/9/2020 तक आप यहाँ पर जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इसमें सारी जानकारी जो आपको मिल गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई आपको जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए, ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सके और सारी जानकारी पा सकें।